नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे हम, ये सबसे मेन टॉपिक है मैथ्स का। टॉपिक का नाम है हमारे डेरिवेटिव। ये सबको फायदेमंद है कि जो अभी डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में रहेंगे या फिर इलेवंथ एंड ट्वेल्थ साइंस में, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस, उसके बाद उसके रूल्स टाइप्स, और बाद में एक आपको मैं कंसेप्ट बता दूंगा, तो उससे आप किसी भी एग्जाम्पल का दो मिनट के अंदर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे आप। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप। तो फर्स्ट है हमारा रूल्स, सॉरी फॉर्मूलेस। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, कोई भी नंबर हो सकता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स इन टू लॉग ए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको ट्रिक ध्यान में रखना है कि जिसकी स्टार्टिंग सी से करेंगे आप, कॉस एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स, या फिर कॉस इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इसके राइट साइड में माइनस का साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा नाइन्थ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इन टू टैन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इन टू कॉट एक्स। और सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि जो याद करने के लिए सबसे आसान है। आपको ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सी से स्टार्टिंग राइट साइड में माइनस। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सी से स्टार्टिंग राइट साइड में माइनस। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, सी से स्टार्टिंग राइट साइड में माइनस। फॉर्मूलेज को अच्छे से याद कर लीजिए आप, टोटल 20 फॉर्मूलेज है हमारे पास। नेक्स्ट रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ सम, इसके लिए आप लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। सेकेंड है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और फोर्थ है हमारा डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन, फी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन फी स्क्वेयर। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है इसमें कि डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वेयर। उसके बाद टाइप्स है, आपको सिर्फ मेन टाइप्स बता दो, उसके लिए आप एक वर्ड ध्यान में रख दीजिए, आर सी आई एल पी आई ओ। फर्स्ट इसमें आर स्टैंड्स फॉर रूल्स, कि जो आपके डेरिवेटिव ऑफ सम डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कंपोजिट फंक्शंस का, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आई स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। एल स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। पी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आई स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये आपका ओ स्टैंड्स फॉर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। और हमारा लास्ट है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ले सकते हो आप। ये हमारे वर्ड्स मेन सेवन टाइप्स से। इसमें आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से
किसी भी एग्जांपल का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। इसमें फर्स्ट आपको फॉर्मूला बता दो कि जो आपने फॉर्मूला याद किया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के कॉस एक्स। ट्रिक देखिए इसमें आप कि जो आपको मैं कंपोजिट फंक्शन को यूज करके बता रहा हूं इसमें कि साइन का इफेक्ट है कॉस एक्स और बाद में आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिखना है। आपने जब फॉर्मूले को याद किया था तो आपने क्या किया कि इसकी वैल्यू वन है तो आपने आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ कॉस एक्स याद किया था। अगर मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई रेस टू एक्स आपको फाइंड करना है, सेम प्रोसेस है कि एक्स खुद एक बार आया था और बाद में खुद का डेरिवेटिव है। इसमें भी सेम है कि स्टार्टिंग में साइन का इफेक्ट, आपको पता है कि साइन का इफेक्ट क्या रहेगा, कॉस ई रेस टू एक्स खुद से आ जाएगा और बाद में खुद का डेरिवेटिव, मतलब आपको मिल जाएगा कॉस ई रेस टू एक्स। और आपको पता है कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स मतलब सिर्फ ई का इफेक्ट है। बाद में आप डी एक्स बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको पता है कि एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन, मतलब आपको मिल जाएगा कॉस ई रेस टू एक्स इन टू ई रेस टू एक्स। इसको अगर आप जनरलाइज करेंगे आप तो आपको देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो साइन का इफेक्ट क्या रहेगा कॉस एफ ऑफ एक्स और बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपने जब फॉर्मूला याद किया था तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है आपकी, क्योंकि एक्स सबसे सिंपल फंक्शन है जिसके मल्टीपल पावर और डिवाइड में वन रहेगा। सेकंड एग्जांपल लीजिए, इस ट्रिक को ध्यान में रखना है आपको। सेकंड है कि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, आपने जो याद किया था लॉग का इफेक्ट रहेगा, मतलब लॉग का इफेक्ट क्या है वन अपॉन एक्स और बाद में डी एक्स बाय डी एक्स भी लिख दीजिए आप। लेकिन आपको पता है कि डी एक्स बाय डी एक्स वन, तो आपने सिर्फ वन अपॉन एक्स को याद किया था, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट है। उसके बाद में मान लीजिए अगर इसमें रहेगा लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, तो फर्स्ट आप लॉग का ही फिट लीजिए। लॉग का ही फिट आपको पता है कि वन अपॉन आ जाएगा, मतलब वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री और बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। सेम है इसमें एक्स से आपका और इसमें टू एक्स प्लस थ्री, तो देखिए वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ सम है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो सेपरेट कीजिए अब डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री, तो आपको मिल जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। कॉन्स्टेंट बाहर लीजिए आप डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री, नेक्स्ट स्टेप में वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, इसमें टू बाहर लीजिए आप एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन और कॉन्स्टेंट का बन जाएगा जीरो, मतलब वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, टू इंटू वन मतलब टू, वन इंटू टू मतलब टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। आपको फाइनल आंसर ये ट्रिक आप समझ लीजिए अच्छे से। उसके पहले आप फॉर्मूलेस और रूल्स को भी याद कर लीजिए आप, तो जो इसके डेमो एग्जांपल से बाकी आपके हर एक टॉपिक में टाइप वाइज आपके अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।